आप लोग तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वीडियो में या इस जगह पर क्या चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, भोपाल में बेरोज़गार को लेकर जो है आंदोलन कर रहे थे, और उसी समय जो है पुलिस ने छात्र और अभिभावक छात्र और जो शिक्षक हैं उन पर जो है लाठी चार्ज कर दिया, ओके, जिनके वजह से जो है बहुत सारे लोग हैं वह घायल हो गए और कई लोगों को जो है जेल भी हो गई। जैसे कि देखिए, वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखाई जाएंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा झंझोड़ कर रख देंगी, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बेरोज़गारी को लेकर जो है आंदोलन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि ये लोग जो है कुछ ज़्यादा ही जो एग्रेसिव जो है मूवमेंट होता है वो आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। तो आप लोगों को ऐसा क्या मतलब लगता है कि भैया ये हम जो है कोई मतलब अपद्रव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है अपने रोज़गार मांग रहे हैं। जैसे कि पुलिस वाले हैं, उन लोगों को उनका रोज़गार मिला तो वो अच्छे से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको रोज़गार मिलता है तो हम भी वही अपना काम करेंगे। और जो शिक्षक हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे गोपाल सर हैं और भी बहुत सारे सर हैं, ओके, बहुत सारे टीचर्स जो हैं अगर आपको देखें तो वो लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनका साथ में हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा चीज़ माहौल बन गया है कि ये लोग जो है सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भैया हम लोग छात्र हैं, छात्र कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है, छात्रों में एक एकाग्रता है, लेकिन आप लोग जो है अगर एग्ज़ाम नहीं कराएंगे या परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बीते 4 वर्षों में कोई भी एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं हुआ या कहें हुआ ही नहीं है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें, ओके, और देखिए क्या आप लोग जो है जहाँ जहाँ से भी हों, कहीं से भी हों, किसी भी राज्य से हों, किसी भी स्टेट से हों, वो लोग जो है आपको पता है कि भैया किसी भी राज्य की आप देखें, तो मैं ये नहीं बोलूँगा हर किसी राज्य में ऐसा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी अगर ऐसा ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।